अरे भैया यह दारू, ये सिर्फ गम भुलाता है, बुरे आदमी को हटाता है, अच्छे आदमी को लाता है। बिहार में इस महिला का वीडियो देखिए, शराब के नशे में चूर इस महिला का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिहार में पूरी तरह शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब पार्टी करते हुए आए दिन बिहार से पुरुषों का वीडियो वायरल होता रहता है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है, कुछ हटके है। दरअसल खगड़िया में शराब पार्टी करते हुए तीन महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला और लड़कियां जाम छलका रही हैं। इसके साथ बोल रही हैं, ये क्या है, ये दारू है। जी हाँ, वीडियो में दूसरी लड़की वीडियो बनाता देख जाम उठाती है और कहती है, ये है दारू, ये सिर्फ गम भुलाता है, बुरे आदमी को हटाता है, अच्छे आदमी को लाता है। ये है दारू, ये सिर्फ गम भुलाता है, बुरे आदमी को हटाता है, मार भी खाता और अच्छे आदमी को लाता है। फिर गिरता। ये क्या है दारू? अगर आप नहीं समझ रहे हो। शराब के नशे में टुन होकर शराब पार्टी के बाद भोजपुरी गाना पर जमकर डांस भी किया जाता है। पूरा मामला चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के मोहल्ले का है। बताया जा रहा है कि एक हफ्ता पहले इस शराब पार्टी का आयोजन हुआ था। कहा जा रहा है कि अमित और उसके दोस्तों ने शराब की व्यवस्था की, जिसमें तीन लड़की और दो लड़के शामिल थे। एक लड़की सुपौल जिला की बताई जा रही है, जो खगड़िया में एक निजी कंपनी में कार्य करती है। वीडियो वायरल होने के बाद चित्रगुप्त नगर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। शराब पार्टी करने वाले लोगों की तलाश जारी है। वहीं वीडियो वायरल करने के पीछे एक और कहानी सामने आई है। जिस लड़के ने वीडियो वायरल किया है, यानी कि अमित कुमार ने, अमित कुमार पर सुपौल की रहने वाली लड़की ने चित्रगुप्त नगर थाने में कुछ दिन पहले यौन शोषण और बहला फुसला कर शादी करने का मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद अमित ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने जाम छलकाती एक लड़की को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं वीडियो में शामिल अमित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पर सोचने वाली बात यह है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी लोगों को इतनी आसानी से शराब कहां से मिल रही है, या इसे भी बिहार सरकार की नाकामी समझे? आपको क्या लगता है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वायरल डेस्क, जनहित टाइम्स।